भगवान मेरी पूछ पाड़ ले, मैं नहीं मानता भगवान को, जाओ जो होता हो भगवान पे कर ले, भगवान से झगड़ूं, भगवान को गाली दूं, भगवान को लठ मारूं, भगवान का सर फोड़ूं, भगवान की मूर्ति तोड़ूं, भगवान मेरा बिगाड़ेगा मैं भगवान का बिगाड़ूंगा, केस होगा। अरे केस नहीं, तुम मुकसारा कोट पैंट सब कुछ कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, मैं भगवान को नहीं मानता हूं, ना मानूंगा। इस देश के अंदर कहीं भगवान नाम की कोई चीज है? राम कृष्ण जितने को ये भगवान और ईश्वर मानते हैं, अगर इनमें कोई ताकत है तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब उसको पता था कि मैं धरती पे पैदा होने के बाद में राहुल नागपाल तुझे नहीं मानेगा तो उसने मुझे पैदा क्यों करा? मेरा पहला सवाल वो भगवान से है। और दूसरा सवाल, जब इस देश के अंदर 5-5 साल की बच्चियों के साथ में रेप होते हैं और भगवान कुछ नहीं करता है तो कहाँ है भगवान? और जब सुनो इसी मंदिर इसी धरती पर जब मंदिरों में 5-5 साल की बच्चियों के साथ में पुजारी रेप करता है तब भगवान दंड क्यों नहीं देता है? इस देश के अंदर भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये भगवान नाम का एक षड्यंत्र है जो चतुर और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखा है। आप हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू देवी, अरे मैं कह रहा हूँ आप कभी ईसाइयों के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ ना हिंदू देवी, मैं ईसाई की, यार ईसाई मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं रहे, मुसलमान मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं रहे, मेरा आरक्षण का विरोध मुसलमान कर रहा है क्या? मेरे आरक्षण का विरोध हिंदू कर रहा है क्या? ईसाई कर रहा है क्या? सिख कर रहा है क्या? नहीं, कहाँ कर रहे हैं बताओ मुझे, बताओ मेरे किस अधिकारी की सीआर खराब जो वो मुस्लिम ने करी है? किस अधिकारी? फूंक मारते हैं रोज। अरे भाई साहब फूंक मारने दो, कान में मार दो, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तुमसे सिर्फ मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि आप मेरे सवाल को जवाब को कम्प्लीट होने दें। इस देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो, मैं कह रहा हूँ भगवान को मैं नहीं मानता यार, भगवान मेरी पूछ पाड़ ले, मैं नहीं मानता भगवान को, जाओ जो होता हो भगवान पे कर ले, पेरियार के 15 सवाल आज तक जिंदा है, केस होगा। अरे केस नहीं, तुम मुकसारा कोट पैंट सब कुछ कर दो, मेरे को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, ना मानूंगा। जो भगवान में ताकत हो, और मैं करूँ, मेरा सीधा चैलेंज भगवान से है, पैसा मिलता नहीं, 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 मेरा मेरा सीधा चैलेंज भगवान से है, और मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान में, ये मेरे और भगवान के बीच का झगड़ा है, तीसरे आदमी को बोलने की जरूरत नहीं, मैं भगवान से झगड़ूं, भगवान को गाली दूं, भगवान को लठ मारूं, भगवान का सर फोड़ूं, भगवान की मूर्ति तोड़ूं, भगवान मेरा बिगाड़ेगा मैं भगवान का बिगाड़ूंगा। इस देश के अंदर किसी तीसरे आदमी को हमारे और भगवान के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई तीसरा आदमी बोलता तो समझ लो वो हमारे और भगवान के बीच में जो बैठा हो भगवान उसने बनाया, और भगवान के नाम पर हम चंदा लेकर के अपना घर चला रहा है। पैसा मिल रहा है आपको बदनाम करने के लिए? हमें पैसा YouTube से मिल रहा है, Facebook से मिल रहा है, हमारे वीडियो लोग देखते हैं पसंद करते हैं, वहाँ YouTube हमें पैसा दे रहा है, कौन सा हमें कोई मंत्री से पैसा आ रहा है।